आज तुम हमें कहते ना दहशतगर्द, ये तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। तो एक तरफ खड़े हुसैनी, दूसरी तरफ खड़े यजीदी। दिन और रातें गुजर जाती उस वक्त जिनकी जवानी। अच्छा जुमला उनका क्या था जी? ये भी वैसे बुजुर्गों ने कमाल की बात की। वो कहते ना वो एक ही बात कहते थे और आज का बंदा भी वही बात कहता है। वो कहते थे ना हमें पता है कि यजीद जालिम भी है, फासिद फाजर भी है, सारा कुछ भी है, और हमें यह पता है कि इमाम हुसैन हक पर है। और बिल्कुल इसी तरह आज भी लोगों को ये पता है कि उस हुसैन का खादिम खादिम हुसैन हक पर था। जिन्होंने क्रैक डाउन किए, जिन्होंने जुल्म ढाए, हजरत अमीर मुजाहिदीन का जब वसाल हुआ पर्दा फरमाया, पहला मैसेज जो ट्वीट आया ना वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का आया। उसने कहा जी आज दुनिया से बहुत बड़ा हजूर का आशिक चला गया। पता इनको भी है, पता उनको भी था। अगला मैसेज चला इमरान खान का, निकाल लेने तो हम आपको दिखा देंगे। क्यों जी? ट्वीट उसका चला, उसने कहा जी हजूर का हमारे नबी के बहुत बड़े आशिक चले गए। पता उनको भी था, पता इनको भी है। तो यजीदियां तो पूछा गया भाई दसो फिर तुसी हिमायत क्यों कर रहे हो? एक उनका जवाब था, एक वो कहते थे जनाब हमारे जाती मफादात है। हजरत साढ़े फरमाते सन जब मियार इतना बंदे का गिर जाए ना कि बंदा गटर के ढकने के ऊपर बंदा जालिम की हिमायत करने को तैयार हो जाए, जब 150 रुपए के पीछे बंदा जालिम की हिमायत करने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर बताओ फिर उसको हजूर की शफात किस तरह मुयसर आएगी? तो कहते सर हमें असल में मसला ये है कि यजीद हाकम जमाना है, फिर हमारी मजबूरी है, हमारा जाती मफाद है, हमारे थाने कचहरी के मामलात है। आज का भी मसला यही कहता हमारी फिर थाना कचहरी है, हमारे मामलात है। वैसे आपस की गल ये है कि जितनी थाना कचहरी लबैक वाले ने पूरी की ना किसी दुनिया पे पार्टी हम भी मानते होना चाहिए। हम कहते हैं ना जी होना चाहिए, असि खुद चलाने वाले लोग हैं, हम खुद जनाब खानदानी लोग। दसो भी आप जितने लबैक वाले, थाना कचहरी हमने चलाई कि ना चलाई, और कैसी चलाई? सीना तान के लबैक किनारा लगा के चलाई, रिश्वत नहीं दी और दो नंबरी नहीं की, एक नंबरी के साथ थाना कचहरी चलाई और फिर भी हजूर के गुलाम कामयाब हुए। एक नंबरी के साथ थानेदार को राम के लुकमे दे जाने के बाद रिश्वतें दे के हम कामयाब नहीं हुए। हम कामयाब किस तरह हुए कि जब अतकड़ी लगी तो ता भी लबैक का नारा, गाड़ी में बैठे तो फिर भी लबैक का नारा, जेल में गए तो फिर भी लबैक का नारा, तफ्तीश आस्ते गए तो फिर भी लबैक का नारा। तो जब हर जगह पे लबैक 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 हुई तो फिर हजूर ने तो हमें कामयाबी देनी थी कि नहीं देनी थी?